हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे पार्ट थ्री, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए विद्युत एवं आधारभूत संरचना वाले टॉपिक में से विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर, और साथ ही साथ कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे जो आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडी यानी निजी संस्थानों और शासकीय संस्थानों के द्वारा संचालित है। तो क्योंकि इससे पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो इन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका विद्युत। विद्युत में याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई आपकी 15 नवंबर सन 2000 को। वर्ष 2015 में पीएससी और व्यापम ने दोनों ने डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई आपकी 15 नवंबर सन 2000 को। इसके साथ एक प्रश्न और पूछता है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आता है आपके ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, तो छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है? इसका उत्तर होगा आपका डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा मंत्री या छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। ये प्रश्न आपके मैच द फॉलोइंग यानी जोड़ी मिलाने पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, जिसमें आपके 4 कैबिनेट मंत्री के नाम और उनसे संबंधित विभाग दे देता है, और उसके मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आपके व्यापम पूछ चुका है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई आपकी 15 नवंबर सन 2000 को, जबकि छत्तीसगढ़ के ऊर्जा मंत्री है आपके डॉक्टर रमन सिंह। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है 3424.70 मेगावाट, यानी 3424.70 मेगावाट छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता 3424.70 मेगावाट। ये स्थिति है आपकी नवंबर 2017 तक की। अब इसमें स्वयं की बोल रहा है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा स्थापित उपक्रमों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है, यानी उन उपक्रमों की जो कैपेसिटी है वो काउंट होती है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में। देखिए अब ये 3424 मेगावाट जो है उसमें क्या क्या शामिल है, ये आंकड़े नीचे दिए गए हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। 3424.70 मेगावाट, इसमें आपके तापीय विद्युत संयंत्र या तापीय संयंत्रों के माध्यम से आपका 3280 मेगावाट यानी 3280 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है आपके तापीय संयंत्र के माध्यम से, यानी थर्मल एनर्जी के द्वारा। दूसरा है आपका जलीय, जलीय संयंत्रों के माध्यम से आपका उत्पादन किया जाता है 138.70 मेगावाट, यानी हाइड्रो पावर के माध्यम से आपका जो एनर्जी जनरेट की जाती है वो है आपका 138.70 मेगावाट। तीसरा अन्य, अन्य में शामिल है आपका भोरमदेव सह उत्पाद, जिसमें गन्ने की भूसी के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, ये भी आपके छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के उपक्रमों में शामिल है। तो भोरमदेव सह उत्पाद ये है आपके कवर्धा में, जिसमें 6 मेगावाट की आपकी विद्युत उत्पादन की जाती है। यदि आप ये तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 3424.70 मेगावाट। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है आपकी 3424.70 मेगावाट। ठीक, नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे अपन बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना है, यानी एक व्यक्ति औसतन साल भरे में कितना विद्युत का उपभोग करता है या खपत करता है, तो वो है आपका 1724 यूनिट यानी 1724 यूनिट। छत्तीसगढ़ राज्य का एक व्यक्ति पूरे साल भरे में औसतन 1724 यूनिट विद्युत का खपत करता है, ये आंकड़े याद रखिएगा। ठीक, सेकंड, देश का पहला 0 पावर कट वाला राज्य घोषित हुआ कि छत्तीसगढ़ देश का पहला 0 पावर कट वाला राज्य घोषित हुआ था वर्ष 2008 में। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता। राज्य की वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता है आपका 22,767 मेगावाट। हमने जो 3424.7 मेगावाट जो हमने पढ़ा था वो था आपका छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता, यानी CSEB छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा स्थापित उपक्रमों के माध्यम से जो हमारी कैपेसिटी है, जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है आपकी 3424 मेगावाट। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसके अंतर्गत आपके राजकीय उपक्रम,
केंद्रीय उपक्रम मतलब केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम तथा निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित उपक्रम, ये तीनों काउंट होते हैं। तो वो है आपका 22,767 मेगावाट। देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो उपक्रम है उसके अंतर्गत आपका कोरबा पूर्व सेकंड, कोरबा पूर्व थर्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जलीय वाले में आपके हसदेव बांगो डैम, आपका सिकारसार परियोजना, ये सब आपके राजकीय उपक्रम के अंतर्गत शामिल है। केंद्रीय उपक्रम के अंतर्गत आपके एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी सीपत, ये सब आपके केंद्रीय उपक्रम है। तो ये काउंट होंगे आपके इसमें। साथ ही साथ आपके अक्षय ऊर्जा मतलब आपके सौर ऊर्जा से उत्पादन जो विद्युत का उत्पादन होता है, ये सारे काउंट, ये ओवरऑल जो काउंट होते हैं ये होंगे आपके छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, जिसमें राजकीय उपक्रम, केंद्र उपक्रम तथा अक्षय ऊर्जा, ये तीनों का जो है विद्युत उत्पादन, ये ओवरऑल काउंट होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत उत्पादन क्षमता है आपका 22,767 मेगावाट। ये जो डाटा है ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया नहीं गया है, ये डाटा उठाया गया है आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो अपनी 14 साल की उपलब्धि के लिए 14 साल बेमिसाल वाला जो मैगजीन निकाला था उसमें दिया गया है। वर्ष 2017 के अंतिम आंकड़े में जो उसने जारी किए थे उसमें दिया गया था कि नवंबर 2017 में जो स्थिति थी छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 22,767 मेगावाट है। ये वाले डाटा भी वहीं से उठाया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1724 मेगावाट है। तो ये सारे आंकड़े याद रखिए। नेक्स्ट, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा। देखिए ये मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये है आपका जांजगीर चांपा जिले में। इसमें इसकी कुल जो कैपेसिटी है वो है आपका 1000 मेगावाट, जिसमें 500 मेगावाट के दो संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में इससे काफ़ी जो आंकड़े हैं दिए गए हैं मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के बाद के। तो देखिए मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई आपकी वर्ष 2016 में। इसमें दो यूनिट है, पहले नंबर का यूनिट प्रारंभ हुआ वो था आपका 31 मार्च वर्ष 2016 को, जबकि इसका जो दूसरा यूनिट वो चालू हुआ आपका 31 जुलाई वर्ष 2016 को। तो दो संयंत्र है इसकी जिसकी स्थापना हुई आपकी वर्ष 2016 में। सेकंड, अब मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात छत्तीसगढ़ की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। यानी देखिए राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई। पहले ये समझ लीजिए मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगावाट। यानी इसकी स्थापना से पहले छत्तीसगढ़ में जो विद्युत उत्पादन क्षमता की कैपेसिटी कितनी रही होगी, जैसे अभी वर्तमान में है आपका 24.70 मेगावाट। तो इसके पहले मंडवा ताप विद्युत संयंत्र के आपके स्थापित होने से पहले छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी रही होगी आपकी 24.70 मेगावाट, मतलब 2,424.70 मेगावाट। आप 24.24 में से 1000 माइनस कर दीजिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई। तो आप परसेंटेज, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, न्यू डाटा माइनस ओल्ड डाटा डिवाइडेड बाय ओल्ड डाटा मल्टीप्लाई बाय 100, यानी नवीनतम आंकड़े माइनस पुराने आंकड़े डिवाइडेड बाय पुराने आंकड़े मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैसे ही कीजिएगा, 24.70 माइनस 24.70 डिवाइडेड बाय 24.70 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 41.24%। आप ये आंकड़े डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, या तो आप इसको, क्योंकि ये वाले आंकड़े तो आपको ऑलरेडी जीएस में याद रखने ही है, छत्तीसगढ़ के जीएस वाले पोर्शन में आपको ये आंकड़े याद रखने ही है। यदि आपको आंकड़े याद नहीं रखने तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई 41.24% की। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई 41.24% की। ठीक, ये थी ओवरऑल उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अब देखिए राज्य के तापीय विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। राज्य की तापीय विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है, 3280 मेगावाट अभी वर्तमान की स्थिति है, मतलब मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना होने के पश्चात। तो राज्य के मतलब मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात तापीय विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
तो अभी वर्तमान में कितना है 3280 मेगावाट, इसमें फिर से 1000 माइनस कर दीजिए आपके ये मंडवा ताप विद्युत संयंत्र का, तो कितना रहा होगा 2280 मेगावाट। सेम परसेंटेज या तो याद रख लीजिए या तो निकाल लीजिए। निकालेंगे कैसे, 3280 मेगावाट माइनस 2280 मेगावाट डिवाइडेड बाय 2280 मेगावाट मल्टीप्लाई बाय 100 निकालेंगे तो आपका 44% आएगा। तो इस तरीके से ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा। यदि पूछे कि मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी ये वाला आंकड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो है आपका 41.24%। लेकिन यदि पूछे राज्य के तापीय विद्युत संयंत्र उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी ये वाला आंकड़ा, राज्य के तापीय विद्युत संयंत्र उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई आपकी 44% की। ये दोनों आंकड़े याद रखिए। नेक्स्ट, 17 वर्षों में राज्य के निर्माण के पश्चात, यानी वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य की जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो थी आपकी 1360 मेगावाट। तो राज्य निर्माण के पश्चात और जो नवंबर 2017 की जो स्थिति है 3424 मेगावाट, ये दोनों आंकड़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राज्य निर्माण के पश्चात यानी 17 वर्षों में राज्य की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई। तो इन 17 वर्षों में राज्य की उत्पादन क्षमता में 152% की वृद्धि हुई। इसमें 3424.70 मेगावाट माइनस 1360 मेगावाट डिवाइडेड बाय 1360 मेगावाट मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट याद रखिए। लेकिन इन आंकड़ों को याद रखिए क्योंकि ये विद्युत और आधारभूत संरचना वाले जो टॉपिक है उसमें मुख्य बिंदु में ये सारे आंकड़े दिए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में अधिकतर उन मुख्य बिंदु वाले जो मुख्य बिंदु में जो आंकड़े दिए रहते हैं उनसे डायरेक्ट प्रश्न उठाता है, तो आप इनको या तो याद रखिए या तो जीएस वाले पोर्शन में तो ये आंकड़े याद करेंगे ही, तो आप इसको परसेंटेज वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन आंकड़े याद रखिएगा, राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई 41.24%, राज्य के तापीय विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई 44%, जबकि राज्य गठन के पश्चात इन 17 वर्षों में राज्य की उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि हुई 152% की। ठीक, नेक्स्ट है आपका, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को 40 यूनिट विद्युत खपत के विद्युत देयक राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा दी जाएगी। वर्तमान में आपके बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारियों की संख्या है 15 लाख, 15 लाख परिवार मौजूद है आपके बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारियों में, उनमें उन्हें 40 यूनिट तक का आपका कोई विद्युत शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा, यानी उनको 40 यूनिट तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 40 यूनिट के बाद जो भी चार्ज उनको लगेगा वो 40 यूनिट का उनका माइनस होने के बाद, मतलब 40 यूनिट का जो पे है उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करेगा, और 40 यूनिट से जो एक्स्ट्रा जो भी उन लोग खपत करेंगे उन केवल उतना ही उन्हें पेएबल होगा। तो याद रखिएगा कि बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को 40 यूनिट तक की मुफ्त बिजली सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो ये सारे आंकड़े आपके विद्युत से मैंने उठाए हैं जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ याद करना तो आप कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक और आंकड़ा बताया था, उसको भी बता देता हूँ एक बार, कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में आपके ग्रामों की संख्या है 19,567, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 19,225 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, देखिए होता क्या है, अधिकतर प्रश्न पूछता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है, ये आंकड़े गवर्नमेंट जारी करती है जिसमें आपका है 19,225। लेकिन एक जगह मैंने और देखा है जिसमें उसने डायरेक्ट डेट मेंशन करके दिया है कि 30 सितंबर सन 2017 तक की स्थिति में 19,333 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। तो दोनों आंकड़े याद रखिएगा। पीएससी कई बार क्या है स्पेसिफाई करके पूछ सकता है कि सितंबर 2017 तक की स्थिति में कुल कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या है 19,567, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके कुल जो ग्राम विद्युतीकृत हुए हैं वो है आपके 19,225 ग्राम। लेकिन यदि डेट स्पेसिफाई करके पूछा कि सितंबर 2017 तक की स्थिति में, तो उसमें 19,333 ग्राम विद्युतीकृत हुए। वैसे इतना डीपली जाके पूछेगा नहीं, आप पिछले आंकड़े याद रखेंगे तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा इन छत्तीसगढ़ में कुल 98.25% ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं।
ये आंकड़े मैंने पहले आपको बताया है। तो विद्युत से फिलहाल इतना ही, अब चलते हैं आपके कुछ शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना की शुरुआत हुई थी आपकी वर्ष 2010 में। इसका मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को उच्चतम गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कुछ शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, साथ ही साथ इन संस्थाओं में किन बच्चों को शामिल किया जाएगा, उन्हें क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी तथा वर्तमान में यह किस जिले में संचालित है, इसे मैंने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर है आस्था। आस्था के अंतर्गत नक्सली हिंसा में अनाथ हुए बच्चों को आवासीय गुरुकुल शिक्षा मुहैया कराया जाएगा, यानी जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु नक्सली हिंसा के दौरान हो गई है उन्हें इन आस्था संस्था के माध्यम से आपको आवासीय गुरुकुल शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। वर्तमान में यह दंतेवाड़ा जिले में संचालित है। ठीक। सेकेंड नंबर पर है निष्ठा। निष्ठा के अंतर्गत नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को कक्षा पहली से बारहवीं तक निजी स्कूलों में प्रवेश कराना निष्ठा संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। यह गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों बॉडी के द्वारा यह फंड प्रोवाइड होता है, यानी इसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी इसे फंड मिलता है और कुछ निजी क्षेत्रों से भी इसे फंडिंग दी जाती है इस कार्य के लिए, और कुछ एनजीओ के माध्यम से यह संचालित है। छत्तीसगढ़ का पहला निष्ठा संस्था खोला गया था आपका राजनांदगांव जिले में। तो याद रखिएगा, निष्ठा के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को कक्षा पहली से बारहवीं तक निजी स्कूलों में प्रवेश कराना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ये आपकी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी इसे फंड प्रोवाइड कराया जाता है और कुछ निजी क्षेत्रों के द्वारा भी इसे फंड मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला निष्ठा संस्था खोला गया है आपका राजनांदगांव जिले में। तीसरे नंबर पर है प्रयास। प्रयास के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को IIT, JEE, PET, NEET, CLAT तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा के तैयारियों हेतु विशेष कोचिंग सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इस साल के PSC का यह प्रश्न रहा। PSC ने प्रश्न पूछा था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को IIT, PET, JEE, NEET, CLAT जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें ऑप्शन दिया था 5, 6, 7, 8 और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वर्तमान में कुल 7 जिलों में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। प्रयास एक आवासीय विद्यालय है, इसे याद रखिएगा। प्रयास के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को IIT, JEE, PET, NEET, CLAT तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 7 जिलों में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, कोरबा और जसपुर। देखिए, इसे ऐसे याद रखिए, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, उन 5 संभाग के संभाग मुख्यालय का नाम याद रखिए। सबसे पहले सरगुजा का आपका मुख्यालय कौन सा है? अंबिकापुर। सेकंड बिलासपुर का बिलासपुर। थर्ड दुर्ग का दुर्ग। चौथा आपका रायपुर का रायपुर। पांचवा आपका है बस्तर, उसका जगदलपुर। तो ये याद हो गया, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, जगदलपुर। उसके बाद आप दो और याद रखिएगा, एक है कोरबा और अगला है जशपुर। तो कुल 7 जगहों में संचालित है, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर और जगदलपुर। ठीक। चौथे नंबर पर है सहयोग। सहयोग के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को 12वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात उन्हें उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। यानी यह एक तरीके का स्कॉलरशिप है। इसे छत्तीसगढ़ बाल भविष्य योजना के अंतर्गत शामिल अभी कुछ समय पहले ही किया गया है। इसके अंतर्गत आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को जब वो 12वीं उत्तीर्ण हो जाते हैं और वे उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक सहयोग मुहैया कराया जाएगा इस सहयोग योजना के माध्यम से। ये संस्था नहीं है, यह एक योजना है। वर्तमान में इसका योजना मुख्यालय है आपका दंतेवाड़ा में। ये सहयोग कोई संस्था नहीं है, सहयोग एक योजना है। इसका योजना मुख्यालय है आपके दंतेवाड़ा में। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को 12वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
तो ये जो आपका आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग, केवल ये जो चार है, ये चार ही आपके मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत शामिल है। ये दो को मैंने अलग से लिखा है, इसे अलग याद कीजिएगा। यदि मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना में शामिल योजनाओं के नाम पूछे तो आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग, ये केवल चार शामिल है। ये दो को मैंने अलग से बताने के लिए रखा है। देखिए, पांचवें नंबर पर है उड़ान। उड़ान के अंतर्गत बैगा जनजाति के बच्चों को निजी क्षेत्र के स्कूलों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। उड़ान यह भी एक योजना है, ये कोई संस्था नहीं है, ये एक एनजीओ है समझ के चलिए। तो ये उड़ान के माध्यम से बैगा जनजाति के बच्चों को निजी क्षेत्र के स्कूल में प्रवेश दिलाया जा रहा है। यह पीएससी या व्यापम का प्रश्न था एक बार का, जिसमें उड़ान योजना के अंतर्गत किस जनजाति के बच्चों को उच्चतम शिक्षा या गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें बैगा जनजाति है। नेक्स्ट है आपका एकलव्य। एकलव्य क्या है पहले ये समझ लीजिए। एकलव्य एक आवासीय विद्यालय है जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक आवासीय विद्यालय है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में आपका एक जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित किया जाता है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ बच्चों को निशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा तथा खेलकूद की सामग्री मुहैया कराई जाती है। तो उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आपका एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः अनुसूचित जनजाति में शामिल बच्चों को आवासीय शिक्षा मुहैया कराया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति में भी जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति मतलब वो पांच जनजाति, अबूझमाड़िया, कमार, बिरहोर, बैगा, कोरवा। इसके अलावा दो छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जो पिछड़ी हुई जनजाति में शामिल किया गया है, पंडो और भुजिया, इन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जनजाति यानी विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी स्थापना जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर किया गया है। अभी वर्तमान में लगभग यह राज्य के 25 जिलों में संचालित है। ठीक, तो इस तरीके से ये मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत इन सब शैक्षणिक संस्थाओं को याद रखिएगा। पीएससी का इस साल का प्रश्न था आपका ये प्रयास, तो ये प्रयास आया है, तो उम्मीद है कि इनसे भी प्रश्न आगे उठने की संभावना बनी हुई है। तो इस तरीके से ये सब शिक्षण संस्थाएं वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस बार का पीएससी का प्रश्न रहा यह प्रयास। तो जब ये प्रयास से प्रश्न उठा तो इन सभी से जो प्रश्न उठने की संभावना बनी हुई है तो इन सभी के नाम याद रखिएगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 3 का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, अब हम थोड़ा इसको इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन को यहीं स्टॉप करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें उम्मीद है कि हम छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के जो सब्जेक्ट है उसे आगे लेके चले, साथ ही साथ आपके जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो बचे हुए जनवरी से लेकर अगस्त तक उसे हम 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में आपको इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल में इसका प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया गया है, यदि आपको लगे तो आप जा करके वहां से डायरेक्टली इसे पार्ट वाइज देख सकते हो। उसे एक सीक्वेंस में हमने सीरीज़ में जमा दिया है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं दिए देखे हैं तो उसके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।